हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। कुछ बेसिक कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूलाज कर लेते हैं। सबसे पहले, इफ़ वी हैव द इक्वेशन ऑफ एन डिग्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस अप टू सो ऑन ए एन। अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है एन डिग्री की, ठीक है, हेयर ए नॉट जो आपके पास कांस्टेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, देन वी हैव एन इक्वेशन ऑफ एन डिग्री एक्स रेज टू पावर एन, देन देर आर एन रूट्स लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सो ऑन अल्फा एन आर एन रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, देन रिलेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। देन रिलेशन ऑफ रूट्स का मीनिंग, अगर मैं लेती हूँ समेशन अल्फा वन, समेशन का मीनिंग होता है कि हम सारे रूट्स की एडिशन कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स समेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन। समेशन का मीनिंग होता है यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं समेशन ऑफ अल्फा वन इंटू अल्फा टू, दैट मीन्स अल्फा वन अल्फा टू प्रोडक्ट चलेगी यहाँ पे दो दो रूट्स की, ठीक है। टोटल हमारे पास एन रूट्स हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अप टू सो ऑन अल्फा वन से स्टार्ट किया था हमने, लास्ट में आ जाएगा एन माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ठीक है, मीन्स सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। देन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सो ऑन अल्फा एन, यानी कि सारे रूट्स की प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले है सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन हमें गिवन है, देन दिस इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे ये देखना है कि एक टाइम में आप कितने रूट ले रहे हो, यहाँ पे एक टाइम में एक ही रूट है अल्फा वन अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन, दैट मीन्स माइनस वन रेज टू पावर वन एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन मीन्स ए वन डिवाइड बाय ए नॉट। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यहाँ पे सम किया हमने टेकिंग टू एट ए टाइम, दो हमने एक बार में लिए हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा टू अल्फा थ्री, तो इसको हम लेंगे माइनस वन रेज टू पावर टू इंटू, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास ए टू, ए टू डिवाइड बाय ए नॉट। ओके, इसलिए हमारे पास सेकंड जो है वो पॉजिटिव आती है, ए टू बाय ए। नेक्स्ट इज अ सम ऑफ रूट्स टेकिंग थ्री एट ए टाइम, अब हमने यहाँ पे तीन रूट्स की प्रोडक्ट एक साथ की है, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर थ्री, देन इसके बाद जो टर्म आएगी वो ए थ्री, ए थ्री डिवाइड बाय ए नॉट, दिस इज माइनस ए थ्री बाय ए नॉट। ओके, एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए एन रूट्स की मल्टीप्लाई हमने एक साथ की है अल्फा वन से अल्फा एन तक, देन माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू लास्ट टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म ए एन डिवाइड बाय ए नॉट। अगर हमारे पास रूट्स ए पी में गिवन है एंड देर आर थ्री रूट्स और हमें लेने हैं ए पी में, तो हम कैसे लेके चलेंगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, तो तीन रूट आपको इस तरह से लेने हैं। अगर थ्री रूट बोला जाता है, थ्री रूट आर इन ए पी, देन अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, और अगर यही तीन रूट हमें जी पी में लेने हो, अल्फा बाय बीटा अल्फा इंटू
बीटा, तो ये तीन रूट आप इस तरह से लेके चलेंगे अगर जेपी में दे रखे। अगर यहाँ पे फोर रूट होते, अगर चार रूट्स बोल दी जाए कि एपी में है, तो हम कैसे लेके चलेंगे यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इससे एक टर्म पीछे आ जाइए, अल्फा माइनस थ्री बीटा एंड अल्फा प्लस थ्री बीटा। अब देखिए ये एपी में कैसे चेक करते हैं हम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, ए टू माइनस ए वन कीजिए, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस अल्फा प्लस थ्री बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर आ गया टू बीटा। ए थ्री माइनस ए टू करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, माइनस ये करेंगे टर्म, माइनस अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल टू बीटा, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स दीज रूट्स आर इन ए पी, इसलिए हम यहाँ पे टू बीटा नहीं लेते क्योंकि इनका डिफरेंस हमें सेम बनाना होता है। ओके, देन यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, अगर ए पी में गिवन है फोर रूट्स, देन सम ऑफ, ये आपको रिमेंबर करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इकट्ठा कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट क्या होता है। ओके, अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ, अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा, थ्री बीटा थ्री बीटा कैंसिल, देन टू अल्फा आंसर आ जाएगा, ऐसे ही इक्वल होगा सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट के। फोर रूट्स आर इन ए पी, फोर रूट्स आर इन ए जी पी, सॉरी, अगर फोर रूट्स आर इन जी पी, देन वी टेक अल्फा बाय बीटा क्यूब फर्स्ट रूट, अल्फा बाय बीटा सेकंड, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्यूब। इस तरह से आपको अज्यूम करके चलना है जब चार रूट जी पी में गिवन हो। ओके, यहाँ से फॉर्मूला बनता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मीन्स दिस एंड फोर्थ रूट इक्वल टू मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट। फर्स्ट की एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हमें यूज़ करना है क्वेश्चंस में। चलिए एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन 12x³ - 8x² + k(x+18) = 0। सॉल्व करने का मीन्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट इज नेगेटिव टू द अदर। इसका एक रूट दूसरे रूट के नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, लेट एफ ओफ एक्स इक्वल टू, जो इक्वेशन उसको हम एफ ओफ एक्स ले लेते हैं, -8x² + k(x+18) = 0। लेट रूट्स बी अल्फा, एक हमने अल्फा लिया, दूसरा इसी का नेगेटिव माइनस अल्फा, एंड थर्ड रूट ले लेंगे हम बीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो थ्री रूट लेके चलेंगे। ठीक है, थ्री रूट ले लेते हैं एंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालिए, सम ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट में सम इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मीन्स हम एक एक टाइम ले रहे हैं तो -1^1, ये वन पावर रेफर करती है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ रूट्स कैसे ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे एक एक रूट्स है तो इसकी पावर वन हो जाएगा, मीन्स माइनस आता है, जो हम बी बाय ए लेके चलते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि थ्री रूट्स का निकालेंगे तो माइनस बी बाय ए, ये माइनस जो रेफर करेगा वो हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे रूट्स हमने कितने कितने नंबर्स की प्रोडक्ट में लिए, तो एक एक रूट है यहाँ पे एडिशन में, देन -1^1 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स
टेकिंग टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा. ओके देन ये आ जाएगा यहाँ से माइनस वन रेज टू पावर टू, क्योंकि यहाँ पे हमने दो दो रूट्स की प्रोडक्ट ली है. ओके सी बाय ए यानी कि पॉजिटिव सी बाय ए. नेक्स्ट इज अच्छा थ्री तो है इन टोटल, लास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिए थ्री रूट्स की, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से माइनस वन रेज टू पावर थ्री बिकॉज प्रोडक्ट तीन रूट्स के लिए एंड कॉन्स्टेंट डी बाय ए, इसलिए ये नेगेटिव आता है डी बाय ए. ओके तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगाइए यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब का कॉफिशियंट, देन दिस इज इक्वल टू माइनस एट बाय ट्वेल्व. ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल एंड एट बाय ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं टू बाय थ्री, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू बाय थ्री. एक रूट मिल गया हमें, बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. बाकी के रूट्स कैसे निकालेंगे देखिए, सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, क्यूबिक को रिड्यूस कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करेंगे, टू बाय थ्री से हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है. कॉफिशियंट लिखिए ट्वेल्व एक्स क्यूब का ट्वेल्व माइनस एट के एंड एटीन. सिंथेटिक डिवीजन से पहले के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. बीटा इज अ वन रूट ऑफ इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन जो बीटा रूट है वो एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 12 इंटू एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे 2 बाय 3, 2 बाय 3 क्यूब माइनस 8 इंटू 2 बाय 3 स्क्वायर, देन के इंटू 2 बाय 3 एंड लास्ट में है प्लस 18 इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना एंड के की वैल्यू जो आएगी आपके पास इज माइनस 27. सॉल्व करोगे इसको क्यूब और स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेके के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 27. ठीक है देन हम के की वैल्यू पुट करके यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस 27. नाउ वी कैन फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके एक रूट तो हमें मिल गया 2 बाय 3, 12 एज इट इज, देन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 दिस इज 8 एंड ऐड करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 27, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस का 18 0 आ जाएगा. ओके देन इक्वेशन डिप्रेस्ड इक्वेशन इज जो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स माइनस 27 इक्वल टू 0, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 बाय 12. ठीक है यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज 9 बाय 4, देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 बाय 2. देन फर्स्ट रूट, एक रूट हो गया इसका 2 बाय 3, सेकेंड हो जाएगा 3 बाय 2 एंड थर्ड इज माइनस 3 बाय 2. यहाँ से प्लस माइनस दो रूट आएंगे. तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, रूट्स फाइंड आउट कर लिए, के की वैल्यू बता दी हमने, एक रूट मिल गया था वहाँ से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे एंड के की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह आपको सॉल्व करना है. सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0, हैविंग गिवन दैट वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2. हेयर द इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन, देन देर आर थ्री रूट्स लेट अल्फा, एंड कहता है कि एक रूट दूसरे रूट से दो ज़्यादा है, दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 2 एंड थर्ड रूट वी कैन टेक बीटा.
नाउ हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स हमें एक्स के रूट्स निकाल, एक्स की वैल्यूज निकाल ली, क्वेश्चन के रूट्स फाइंड आउट कर लें. देन यहाँ से हम कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस टू प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय वन मीन्स 13. दिस इज टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13 माइनस टू, टू का आप इधर ले जाइए 11, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी टेक सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू सेकेंड रूट प्लस सेकेंड एंड थर्ड रूट की मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर टू, दो दो रूट हमने एक टाइम पे लिया है, एंड 15 डिवाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 15. सॉल्व करते हैं इसको, अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू, एंड यहाँ से दोनों टर्म से हम बीटा कॉमन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस टू प्लस अल्फा, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं टू अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस टू इक्वल टू 15. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा इन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 11 माइनस टू अल्फा, टू अल्फा प्लस टू इक्वल टू 15. अल्फा स्क्वायर टू अल्फा मल्टीप्लाई ओपन करेंगे 22 अल्फा प्लस 22 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 15. अल्फा स्क्वायर एंड 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा एंड दिस अल्फा 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा एंड 20. ओके अल्फा, और इसको आप इधर ले आइए प्लस 22 माइनस 15, ठीक है ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0. यहाँ से इसको क्वालिटी की क्वेश्चन आ गई, फैक्टर बना के सॉल्व कर लेंगे, देन जो अल्फा की वैल्यू आएंगी दिस इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 7 एंड माइनस 1 बाय 3. अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से सॉल्व कर लेना फैक्टर बना के, तो अल्फा हमारे पास 7 और माइनस 1 बाय 3 निकलेगा. देन यहाँ से हमें देखना है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू हमें क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लेनी है, देन अल्फा एफ ऑफ अल्फा फाइंड आउट करेंगे हम. एफ ऑफ अल्फा मीन्स हम इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 एंड अल्फा इक्वल टू 7, जो भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को वही हमारा यहाँ से रूट होगा. अल्फा की इक्वल वैल्यू अगर हम रखेंगे माइनस 1 बाय 3, देन इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ से माइनस 1 बाय 3 क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड प्लस 15 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 189. यहाँ से चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आता दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ओके दिस इज माइनस 1 बाय 9 माइनस 13 बाय प्लस हो जाएगा 9 माइनस 15 5 प्लस 189. ओके दिस इज इक्वल टू माइनस 14 बाय 9 माइनस प्लस इज 184. देन ये नॉट इक्वल टू 0 ही टर्म आएगी, इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 7 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन. ओके एक रूट हमें मिल गया अल्फा इक्वल टू 7, दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 इज 9, एंड थर्ड रूट चाहिए हमें, यहाँ अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस अल्फा की वैल्यू 7 आई है ना माइनस 14, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अल्फा की, देन 11 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 3, देन थ्री रूट आ गए हमारे पास 7 9 एंड माइनस 3, देन सॉल्व दिस इक्वेशन. क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट
सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन दैट रूट्स आर इन एपी, इसके रूट हमें एपी में गिवन है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारी क्यूबिक है तो हम यहाँ पे थ्री रूट लेके चलेंगे, एंड एपी में मैंने बताया था कि अगर रूट लेने हैं हमें एपी में तो कैसे लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, लेट अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते फर्स्ट, ओके। देन सम ऑफ रूट निकालते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट प्लस थर्ड रूट इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, माइनस 12/4 के, यानी कि माइनस 3, बीटा से बीटा कैंसिल, 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू माइनस 1, हेयर वी कैन फाइंड वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मिल गया यहाँ से हमें एक रूट। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 1 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, दिस इज 4 12 11 3, कोफिशिएंट लिखे हमने 4 माइनस 4, दिस इज 8 माइनस 8 3 एंड माइनस 3 इज 0, जो इक्वेशन आएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x² + 8x + 3 = 0, एंड इसको सॉल्व करेंगे हमें तो रूट यहाँ से मिल जाएंगे, दिस इज मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए, एडिशन 8 आनी चाहिए, 4x² + 6x + 2x + 3, 12 आ जाएगा, एडिशन करेंगे 8 आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा, 2x + 3 + 1 × 2x + 3, देन 2x + 3 = 0, या फिर 2x + 1 = 0, x = -3/2 एंड सेकेंड रूट आ जाएगा x = -1/2, फर्स्ट रूट इज -1, हम यहाँ से निकाल चुके हैं, दो रूट हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट एज इट इज फर्स्ट पार्ट की तरह ही एपी में रूट दे रखे है, खुद ट्राई करना। थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, एंड टू रूट इट्स इक्वेशन आर इक्वल, यहाँ पे दो रूट इक्वल दे रखे हैं हमें, ठीक है, लेट अल्फा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन हमें यहाँ से अल्फा बीटा इस तरह से लेना है कि इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले आप क्या ले सकते हो, सम ऑफ रूट इज 2α + β, इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, -4/4, देन 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस 1 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई 2α + β = 1, ओके। नेक्स्ट हम ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अगर दो रूट्स की प्रोडक्ट लेते α × β + β × α = -1/2, दो दो की प्रोडक्ट लिया हमने, एंड दिस इज -15/4, ये -15 है, नेक्स्ट अब ये स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा -15/4, पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर यहाँ से 2 टाइम α × β - 15/4, ओके। लास्ट इज, और आप क्या ले सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट α × β × α, तीनों की प्रोडक्ट, तो -1/3 एंड लास्ट इज अ कॉन्स्टेंट 18/4 -9/2, दिस इज α² × β = -9/2, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। देन तीनों इक्वेशन से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ से देखते हैं अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फा बीटा में आ रही है, एंड यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए स्क्वायर को तो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ अल्फा स्क्वायर की, दिस इज -15/4 - 2α β, यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली और सेकंड में हम पुट कर लेते हैं, देन सेकंड इक्वेशन इज दिस α² + 2α × β की वैल्यू रखते हैं,
1 माइनस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 4। इस इक्वेशन से हमें अल्फा की वैल्यूज मिल जाएंगी, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर 15 बाय 4, देन माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 15 बाय 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए, एलसीएम लीजिए एंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अल्फा की दो वैल्यू मिलेंगी आपको यहाँ से, 3 बाय 2 एंड माइनस 5 बाय 6, माइनस 5 बाय 6। अब अल्फा की कौन सी वैल्यू आपको लेनी है ये हम कैसे पता करते हैं, जो इक्वेशन है यहाँ पुट करके देखेंगे। एक बार अल्फा को 3 बाय 2 पुट कीजिए इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 4 इंटू 3 बाय 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 बाय 2 स्क्वायर एंड माइनस 15 3 बाय 2 प्लस 18। अगर ये सॉल्व करते हैं और हमारा रिजल्ट आता है 0, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 3 बाय 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, और अगर हम 5 बाय 2 रखते हैं, सॉरी माइनस 5 बाय 6 अगर ये रखते हैं एक्स के प्लेस पे और नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू आती है तो आपको वहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या ये इसका रूट बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पे जो ये रूट नहीं बनेगा, अल्फा इक्वल टू 3 बाय 2 इट्स रूट, देन अल्फा दो रूट सेम हो गए, 3 बाय 2 3 बाय 2 टू रूट आ जाएंगे। यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो थर्ड रूट आ जाएगा माइनस 2, और दो रूट क्योंकि सेम है वो आ जाएंगे 3 बाय 2 एंड 3 बाय 2। अभी की क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व करना है इसको, अगर रूट्स हमें जीपी में गिवन है। ठीक है, तो जीपी में हम कैसे लेके चलते हैं, लेट अल्फा बाय बीटा, अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब आपके पास जीपी में गिवन होते हैं तब हम इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चलते हैं, ताकि हमारे पास बीटा से बीटा कैंसिल हो जाए और हम एक रूट इजीली फाइंड आउट कर सकें। देन डायरेक्ट लेके चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर 3, तीन की प्रोडक्ट ली है, माइनस 8 डिवाइड बाय 1, दिस इज माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस 8 आ जाएगा एंड बीटा से बीटा कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा अल्फा क्यूब, देन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एंड माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पे हमें एक रूट मिल जाता है, बाकी दो रूट हम इजीली निकाल सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, 1 माइनस 7 14 माइनस 8 फर्स्ट एज इट इज, 2 माइनस 5 माइनस 10 देन 4 एंड 8 एंड 0। ओके, इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई 4 एडिशन माइनस 5 माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज माइनस, x कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, देन x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 4। तो एक रूट हमारा हो गया था अल्फा 2 एंड बाकी के रूट हमारे निकल गए 1 एंड 4, तो देर है थ्री रूट्स 2 1 एंड 4। फिफ्थ इज इक्वेशन हमें गिवन है 4 डिग्री की और आपको सॉल्व करना है इसको, जहाँ पे रूट्स आपके पास एपी में दे रखे हैं। ठीक है, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, यहाँ पे हमें चार रूट लेने पड़ेंगे बिकॉज 4 डिग्री इक्वेशन है, आर रूट्स विच आर इन एपी, ये हमें एपी में गिवन है और हमने पढ़ा था कि अगर चार आपके पास टर्म एपी में होती है देन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल टू होता है सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, देन हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
प्लस डेल्टा, यानी कि सम ऑफ रूट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, देन माइनस टू बाय वन विच इज माइनस टू। अभी हमने देखा कि अल्फा प्लस डेल्टा, इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस डेल्टा, एंड यहाँ पे बीटा प्लस गामा, सेकेंड एंड थर्ड को ऐसा लिख लिया क्योंकि सारे एडिशन में हैं, तो हमने अल्फा और डेल्टा को इकट्ठा ले लिया और बीटा और गामा को इकट्ठा ले लिया। दिस इज इक्वल टू माइनस टू, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, दोनों इक्वल हैं तो बीटा प्लस गामा की प्लेस में पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस टू। दिस इज अ टू टाइम ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा माइनस टू, एंड अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू टू से डिवाइड कर देंगे माइनस, ठीक है। वैसे भी देखा जाए चार रूट्स का सम माइनस टू है और दो दो का सम इक्वल है, तो दो का सम क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा ऑब्वियसली। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, बीटा प्लस गामा के, ठीक है। तो सम आ गया हमारे पास बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू दोनों की वैल्यू आ गई है माइनस वन, ओके। अब मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लेके चलती हूँ जिसके रूट्स बीटा एंड गामा है, ओके। यहाँ पे देखिए, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, अगर मान लो कि अल्फा बीटा दो रूट है और आपको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कैसे बनाते हैं, हमें चाहिए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बीटा और गामा को लेके अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊँ, तो यहाँ से सम ऑफ रूट तो मिल गया हमें माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, लेट दोनों का ही प्रोडक्ट अगर मैं करती हूँ, वो मैंने ले लिया पी, एंड अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ अल्फा इंटू डेल्टा, देन ये मैंने ले लिया क्यू। तो यहाँ से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके दो दो रूट होंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर किसी इक्वेशन के दो रूट आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर बीटा एंड गामा रूट हैं, तो इक्वेशन मैंने बनाई यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनकी वैल्यू रखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन बीटा प्लस गामा की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने लिया है पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दो रूट को लेके हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, सेम टू सेम हम इन दो रूट्स को ले लेते हैं, गामा एंड डेल्टा को, सॉरी अल्फा एंड डेल्टा को। तो इससे अगर मैं इक्वेशन बनाती हूँ, तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू इक्वल टू ज़ीरो, समझ गए। तो यहाँ से हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं जिसके रूट्स एक के रूट हैं बीटा और गामा, एंड सेकंड इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड डेल्टा, सम ऑफ रूट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने अज्यूम कर लिए, ठीक है। अब जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इक्वेशन, क्योंकि ये सारे के सारे किसके रूट हैं, इस इक्वेशन के, अगर मैं इनके रूट से जो इक्वेशन बनाई है और इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास यही इक्वेशन आने चाहिए, बिकॉज ये जो हमने निकाली इक्वेशन, ये इसी इक्वेशन के रूट से हमने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स प्लस फोर्टी इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू, ओके। यहाँ से हम इक्वल रख के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू, अगर पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, हमें चारों रूट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है एक्स रेज टू पावर फोर का वन है, अगर यहाँ पे फोर होता, इसका कोफिशिएंट अगर फोर होता, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी आपको फोर लेना पड़ता है, ठीक है। तो वन है तो इसलिए हम वन लेके चलेंगे, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही चलेगी, इधर से मल्टीप्लाई करिए राइट हैंड साइड पे, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, फिर हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर क्यू
प्लस एक्स क्यू प्लस पी क्यू। लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है x रेज टू पावर 4 टू एक्स क्यू माइनस 21x स्क्वायर 22x प्लस 40। एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है x रेज टू पावर 4 क्यूब वाला इकट्ठा कीजिए 2x क्यूब ओके एंड स्क्वायर की टर्म ये स्क्वायर की टर्म दिस एंड दिस x स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन देन p प्लस क्यू प्लस 1 ठीक है। फिर हम x की टर्म चेक करते हैं x एंड दिस x ये आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू एंड प्लस p इंटू क्यू। अब यहाँ से कोफिशेंट कंपेयर करते हैं x रेज टू पावर 4 क्यूब में सेम चल रहा है हमें p q की वैल्यू चाहिए तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा x स्क्वायर और x का कोफिशेंट यहाँ से कंपेयर करके p और q की वैल्यू आ जाएगी। देन कंपेयरिंग कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 21 एंड राइट हैंड साइड पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट पी प्लस क्यू प्लस 1 पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 को आप इधर ले आइए माइनस 22 एंड यहाँ पे एक्स की बजाय हम कॉन्स्टेंट टर्म का कॉफिशेंट करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म ये कंपेयर करेंगे तो 40 इक्वल टू पी इंटू क्यू दो इक्वेशन मिल गई हमें पी प्लस क्यू इक्वल टू 21 इक्वेशन हम यूज़ कर चुके हैं ये आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ से मिलता है पी प्लस क्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स पी इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यहाँ से हम एक इक्वेशन और फॉर्म कर सकते हैं वी कैन राइट दैट पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है माइनस 22 प्लस इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स 40 इक्वल टू 0 मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया टी में एक इक्वेशन फॉर्म कर ली जिसके रूट पी और क्यू है सम ऑफ रूट यहाँ पे है हमारे पास 2 इन माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 तो ये p प्लस क्यू की वैल्यू एंड p क्यू की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी 22t प्लस 40 इक्वल टू 0 फैक्टर बनेंगे t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2t प्लस 40 इक्वल टू 0 t की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 2 एंड माइनस 20 देन p की वैल्यू माइनस 2 एंड q की वैल्यू माइनस 20 ओके यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे सेकंड में p एंड q की वैल्यू देन एक फैक्टर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके क्योंकि ये हमारे पास इक्वल था दिस इक्वेशन के है ना तो इसके रूट्स निकालेंगे मीन्स दिस इक्वल टू 0 होगा ओके यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो आप कि इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन क्योंकि ये इक्वल लिया था हमने दोनों के मल्टीप्लाई के बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ओके तो इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इसके फैक्टर बना लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन 2 आनी चाहिए प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 दिस इज x कॉमन x प्लस 2 आ जाएगा डायरेक्ट लिख रही हूँ x प्लस 2 एंड x माइनस 1 फैक्टर बन जाएंगे इसके x माइनस 1 एंड यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0 दीज आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 1 माइनस 5 एंड 4 इस तरह से आपको x की वैल्यूज मिलेंगी दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है। तो अगर चार रूट दे रखे होते हैं एपी में तो हम फॉर्मूला लेके चलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन 6 सॉल्व दिस इक्वेशन 4 डिग्री की इक्वेशन है व्हेन रूट्स आर इन जीपी यहाँ पे रूट्स आपके पास जीपी में गिवन है लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इक्वेशन फर्स्ट आर रूट्स
of first equation and these roots are in GP में गिवन है. तो GP का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. देयरफॉर अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा. ओके, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू बीटा सेकंड एंड थर्ड के होता है. तो ये हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड. नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाली यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा माइनस वन रेज टू पावर फोर, चार की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म दिस प्लस ये आ जाएगा 9. यहाँ से फिर से वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एडिशन में वैल्यूज रखी थी, यहाँ पे हम किसकी रखेंगे, इसको मैंने लिख दिया अल्फा इंटू डेल्टा फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई सेकेंड एंड थर्ड की, कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल टू 9. यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा और बीटा गामा की जगह पे मैंने रख दिया अल्फा इंटू डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वल टू 9 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 9, इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3, अंडर रूट लेंगे. देयरफॉर अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं और इसकी वैल्यू 3 आ गई है. दैट मीन्स वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा डेल्टा एंड सेकंड इक्वेशन के रूट हो जाएंगे बीटा और गामा. लेट इन दोनों का सम ऑफ रूट, मीन्स जिसके रूट अल्फा और डेल्टा होंगे उनका सम ऑफ रूट भी चाहिए, हमने पी ले लिया. एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ दिस रूट्स बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्यू. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट अज्यूम किए थे क्योंकि वहाँ पे हमें सम ऑफ रूट मिल गया था. प्रोसीजर इसका भी सेम टू सेम है, यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट ले लिए. तो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इक्वल टू 0. ओके, एक इक्वेशन आ गई जिसके रूट है अल्फा एंड डेल्टा. नेक्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज क्यू क्यू इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3 इक्वल टू 0. तो ये दो इक्वेशन मिल गई हमने किसकी हेल्प से, रूट्स जो अल्फा और डेल्टा बीटा एंड गामा से हमने फॉर्म किए हैं. अभी हमने वही कहा था कि रूट्स से हमने इक्वेशन बनाई है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो किसके इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. Then we can write left hand side of first equation 3x raised to power 4 minus 40x cube plus 130x square 120x plus 27. ये इक्वल हो जाएगी मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू इक्वेशंस, x square minus px plus 3 and x square minus qx plus 3. अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसका जो कॉफिशियंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, इसका फर्स्ट टर्म का कॉफिशियंट हाईएस्ट जो आपके पास गिवन है पावर, इसका कॉफिशियंट देखेंगे, वही आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जिसका कॉफिशियंट था 1 था, तो हमने लिखा नहीं था क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इटसेल्फ ये ही आएगा. तो यहाँ से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इधर. अगर यहाँ पे अदर देन होता किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ ये जो कॉफिशियंट होता है ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है. ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए राइट हैंड साइड पे, 3 इंटू, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई ओपन कीजिए, दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस पी इंटू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स क्यू क्यू एक्स इस प्लस हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्यू एक्स एंड 3 से करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, x रेज टू पावर 4 क्यूब दिस एंड दिस माइनस ऑफ
पी प्लस क्यू एक्स क्यूब एंड स्क्वायर की टर्म थ्री एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस तीन है यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर इज अ सिक्स प्लस पी इंटू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर दिस टर्म एंड दिस टर्म नाउ लास्ट टर्म इज x का पहले x की चेक करते हैं थ्री पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड सबसे लास्ट टर्म में आ जाएगा नाइन ठीक है तो यहाँ से आ गया हमारे पास हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया x फोर क्यूब स्क्वायर x एंड कॉन्स्टेंट टर्म अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इसको और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कंपेयर करते हैं p और q आना चाहिए तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से चेक करते हैं दिस इज एंड पी और क्यू की टर्म क्यूब और स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कंपेयर कीजिए इधर से आ जाएगा माइनस फोर्टी इधर से आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस थ्री पी प्लस क्यू माइनस से माइनस कैंसिल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू फोर्टी बाय थ्री सेम टू सेम आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू सिक्स प्लस पी क्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और ये मल्टीप्लाई है थ्री से तो इस थ्री को मत भूल जाना ये थ्री मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे ही ले लेंगे इसके साथ जब कंपेयर करेंगे और इधर से स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 130 इसको थ्री से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड बाय थ्री दिस इज पी क्यू इक्वल टू 130 बाय थ्री माइनस सिक्स 130 माइनस 18 बाय थ्री दिस इज टू टू एंड वन बाय थ्री ये आ जाएगा पी क्यू की वैल्यू वही हमने पी प्लस क्यू निकाल लिया पी इंटू क्यू निकाल लिया ये दो टर्म ही आपको चाहिए देन हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिसके रूट बनेंगे पी एंड क्यू सम ऑफ रूट मिल गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया है यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे इक्वेशन क्या बनेगी टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 40 माइनस 3 इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 120 इज इक्वल टू जीरो थ्री एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू आएगी 4 एंड 28 बाय 3 यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 122 लिख दिया था ठीक कर लेना 112 आएगा देन टी की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 28 बाय 3 मीन्स हमारे पास इसके रूट क्या लिए थे पी एंड क्यू देन पी की वैल्यू इज़ 4 एंड क्यू की वैल्यू इज़ 28 बाय 3 अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पी और क्यू की वैल्यू राइट हैंड साइड वाले फैक्टर्स पे पुट करके और इसको सॉल्व करके लेके चलते हैं और पी और क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू इज अ 4 इंटू एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू इज अ 28 बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 अब यहाँ से दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की थ्री को राइट हैंड साइड पे ले जाइए जीरो बना दीजिए या तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये फैक्टर जीरो होगा थ्री एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से 28 प्लस 9 इक्वल टू जीरो यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन थ्री माइनस एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एडिशन फोर आने चाहिए और यहाँ से देखते हैं 27 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन आएगा एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 एंड 3 दो रूट तो यहाँ से आ गए इसके जो इक्वेशन के एंड दो रूट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 3x एक्स माइनस 9 माइनस 1 एक्स माइनस 9 इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू 9 इसको जीरो रखेंगे एंड एक्स इक्वल टू 1 बाय 3 दो रूट यहाँ से आ जाएंगे तो चार वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली एक्स की विच आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट तो आज हम यहाँ तक ही ट्राई करते हैं छः क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो